Hey everyone, welcome to the channel. और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बिग स्क्रैच के गाने पे, जिसका नाम है रूम फॉर टू, प्रोड बाय सोमेल सोमाइल, पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बिग स्क्रैच भाई, अगर आपने रिएक्शन चैनल्स देख रहे हो तो आपने बिग स्क्रैच का नाम सुना ही होगा। भाई के गाने सुने हैं, बहुत कैड़े गाने बनाता है, खतरनाक गाने बनाता है, जीनियस है भाई लिरिकली, इसकी बात तो गारंटी है मेरी तरफ से। तो गाना चेक करते हैं मैन, ये कैसा गाना है, ताज़ा ड्रॉप हुआ है बिग स्क्रैच के चैनल पर ही। तो लेट्स गो मैन, जाके भाई के रिएक्शन भी चेक करिए, बहुत खतरनाक बंदा है यार, सही में नॉलेज बहुत है। तो लेट्स गो मैन, चेक करते क्या सीन है ट्रैक में। लेट्स गो मैन, रूम फॉर टू, किन दो जनों के लिए भाई जगह। ओके ओके, बांध रखा है पैरों से। अच्छा, एक कलरफुल दिख रही है और एक ब्लैक एंड व्हाइट दिख रही है, दो चीजें दिख रही हैं क्या, इसीलिए रूम फॉर टू है क्या। स्टोन एक्स सोमेल सो यहीं से फील आ गई। वोकल्स ओके, रात को जग जा रहे हैं जो सर में जितने भी शैतान है। तो मेरे को इतना परेशान कर दे रहे हैं कि मैं बैक कर रहा हूँ कि मेरी जान ही ले लो, इससे बढ़िया ओके। तो कुशता से करो बातें, मेरे राज नहीं है मेरे से छुपाते, जाना खुद ही को मैं इसी के बहाने, कैसे दिला दूँ अब खुद को दिला से, ओ तो ये शैतान मेरे ख्याल से कुछ ऐसा लग रहा है जो बुरा करा हो, तो ये मेरे को ही वो दिखा रहे हैं एक तरीके से, जो मैंने बुरा कर रखा है तो मैं अपने आप को कैसे माफ कर दूं। तो मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है, कुछ ऐसी फील आ रही है कि डीमंस आ रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या बुरा करा है मैंने, तो मैं मना भी नहीं कर सकता एक तरीके से कि मैंने नहीं करा ऐसा। तो कुशता से करो बातें, मेरे राज नहीं है मेरे से छुपा, राज जाना खुद को मैं इसी के बहाने, कैसे दिला दूं अब खुद को दिला से, ऐसा जगह से कोई ढूंढने कैसे रोशनी, रूठा खोता तो वो किसे को पुकारे, समा को छूना चाहता उसे होश नहीं। देख रहे हो ऐसी जगह से जहाँ पे आपको टॉर्चर करा जा रहा है, जो भी करा जा रहा है, आप बुरा फील कर रहे हो, आप रोशनी मतलब एक तरीके से आप डिप्रेशन से कैसे बाहर होते हो, मेरे ख्याल से तो ऐसी लग रहा है मुझे, अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो प्लीज सॉरी, पर मेरे को ऐसी लग रहा है कि ऐसी जगह से दिमाग में आपके शैतान ऐतान है, मतलब आप सोच रहे हो बहुत, कोस रहे हो अपने आप को, और ऐसी जगह से आप बाहर कैसे निकलोगे, रोशनी को कैसे, मेरे को तो ऐसी लग रहा है भाई फील बहुत, क्योंकि सेंस बन रहा है पूरा मेरे ख्याल से। मेरे राज नहीं है मेरे से छुपाते, जाना खुद को मैं इसी के बहाने, कैसे दिला दूं अब खुद को दिला से, ऐसे जगह से कोई ढूंढने कैसे रोशनी, रूठा खोता तो वो किसे को पुकारे, समा को छूना चाहता उसे होश नहीं, तारे नहीं देखे जाते अंधेरे गुफा से, सभी से खुद को बचाने, अभी खुद से बचूं मैं कैसे, कुछ तो सलाह दे, लड़ाई अपने आप से मैं रोज लड़ूं, तो मेरा दिमाग एक जंग का मैदान है, जरा मुझे कोई तो उठा ले। देखा, वही लड़ रहा हूं मैं, मतलब एक तो हाँ, तो मेरे को ऐसी लग रहा है दिमाग में, एक तो शायद कोसने वाली साइड है और एक साइड जो है जो बचना चाह रहा है उससे, शायद ऊपर आना चाहता है शायद, दो चीज लड़ रही है। मुझे कहीं से पुकारे, मुझे नहीं खड़ा होना किसी के सहारे, मुझे नहीं खड़ा होना किसी के सहारे। भाई ये वोकल्स, हुक के वोकल्स बहुत प्यारे हैं। वीडियो भी अच्छी है, चेन से बांध रखा है। भाई हुक बहुत प्यारा लग रहा मुझे। ओके, रिवर्स हो गई बीट सैंपल, सब रिवर्स हो रहा है। ओके, आए आए, ओ भाई साहब, क्लासिक बीट स्विच ब्रो, क्लासिक बीट स्विच, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम चिल से। अब पॉप ड्रम्स एंड ट्रैप ड्रम्स, कैसे कैसे उसने पर्क की तरह का, हर फोर स्टेप, हर सेकंड स्टेप पे चल रही है उसकी वो ब्रेथ की आवाज, तो बहुत सही लग रही है ब्रो, फील दे रही है वो बीट, बहुत सही है ब्रो।
फरिश्ते नहीं घूम रहा वो बस से ऑल ऑफ योर रेंजर्स आई लाइक वाइस अंधेरा कायम तू बस चाहिए से डरते तो ओ तो ये है सेकंड साइड मेरे ख्याल से ओके बीट स्विच करके उसने सेकंड साइड दिखाई है ओके 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 क्रिएटिव क्रिएटिव है ब्रो क्या लिखा था वो बहुत हल्का सा दिखा बस डार्कर द शैडो ओके तो ये डीमन बोल रहा है पहले बिग स्क्रैच बोल रहा था एक तरीके से जो उसके माइंड में वो है और डीमन उसको बोल रहा है और अब डीमन की तरफ से तू आया मेरे बगीचे में तो ओके 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 अब मांग रहा है तू भीख मेरे सामने बचने की ओके मेरी और ध्यान दिए जब वो डीमन बोल रहा है पर वो इतना बुरा बुरा बोल रहा है एक तरीके से पर वो बिग स्क्रैच हंसते हुए है मतलब डीमन का कैरेक्टर निभा रहा है और हंसते हुए उसको मजा आ रहा है अनसंड उसको बोलने में ना देखना वो एक्सप्रेशन हंसने के ही है उसके पूरे टाइम ये देखो लालच और भूख ओके भाई वीडियो बहुत सही है भाई साहब भाई खतरनाक ट्रैक ब्रो सही में एक्टिंग वोकल्स भाई परफॉर्मेंस वोकल परफॉर्मेंस अमेजिंग भाई साहब अमेजिंग यार ट्रैक बिग स्क्रैच जैसे मैंने कहा भाई लिरिकली तो है ही वो बंदा उसने दो साइड दिखाई हैं जैसा बोल दिया रिएक्शन में आप भी समझ गए होंगे अभी तक तो ब्रो दिस इज अ ट्रैक भाई मतलब यार रिएक्शन चैनल जैसा भी हमारे जितने भी हैं भाई लेकिन भाई को सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा भले ही हमारे उससे फर्क ना पड़े ना पड़े उससे हमें कोई लेना देना नहीं है पर एक जना भी जानेगा हमारी तरफ से तो बहुत बढ़िया यार सपोर्ट करना चाहिए सबको हम भी करेंगे थोड़ा बहुत जितना हो सकेगा बिग स्क्रैच भाई को यार सही में भाई ब्रो बहुत खतरनाक ट्रैक है मजा आ गया और गानों पे भी करेंगे रिएक्शन जल्दी जल्दी ड्रॉप करिए आप करते रहते हैं मुझे पता है गाने ड्रॉप इतना तो चलो यार कैसा लगा आपको गाना यार मतलब डिफरेंट स्टफ ब्रो कोई मतलब रिएक्शन चैनल की तरफ से मतलब इतना कुछ डीप गाना तो भाई बहुत अलग चीज़ है ब्रो ये कोई रैपर टाइप करते हैं ना वैसा स्टफ है पर कोई रिएक्शन वाला बंदा मीन्स वो नहीं कह रहा कि रैपर नहीं है पर मेन चैनल जो है वो रिएक्शन का है ना तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सेक ब्रो सेक ट्रैक बहुत मीनिंगफुल यस मजेदार मतलब मजेदार मीन्स मजेदार अच्छा लगा सुन के बहुत डिफरेंट स्टफ लेट्स गो मैन आपको भी कैसे लगा बिग स्क्रैच का गाना जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए रिएक्शन भी देखिए बहुत बहुत चीज़ें होती हैं वहाँ पे रिएक्शन भी होंगे और गाने भी हैं बहुत सारे तो सब जाके चेक करिए लेट्स गो मैन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट